क्या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। ये तो धमकी दे रहे हैं, आपके दुख में मैं साथ हूं और भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। आज के वीडियो में बात कोदी मीडिया के कुछ डिबेट्स की करते हैं। अक्सर जब विपक्ष के नेता अपना पक्ष सामने रखते हैं तो एंकर उन्हें बीच में बार बार सवाल करने लगते हैं, जिस पर एंकर को विपक्ष नेता रणबीर लगा देते हैं। आज के वीडियो में बात कुछ ऐसे ही डिबेट्स की करेंगे। न्यूज 18 पर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने AIMIM के गठबंधन को लेकर सवाल AIMIM नेता असीम वकार से किया। जब वे जवाब देने लगे तो एंकर ने बीच में टोका, जिसके कारण उन्होंने करारा जवाब दिया। ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? वकार जी, जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस, कौन तोड़ रहा है देश को, कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे हैं, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे हैं वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग किसी ना पैसा नहीं खाते। वकार जी, अभी आपने खुलकर बोला, वकार जी आपकी आदत है आप हमेशा खुलकर बोलते हैं, अभी आपने खुलकर बोला, राजभर भ्रम फैला रहे हैं, राजभर खेल खेल रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, आपकी आपकी लाइन क्लियर थी। वो डरते हैं सर, बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं, तो फिर आपको पता है तनख्वाह फिर लेता है उसको, मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम ले रहा हूँ। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे है, क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत पर कृषि कानूनों को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने प्रधानमंत्री के ऐलान के मुद्दे पर शोएब जमाई से सवाल किया, जिस पर शोएब जमाई ने एंकर पर तंज कसा। इसके बाद दोनों के बीच बहस देखने को मिली। नहीं, यहाँ से भाई आज आप क्या खा के आए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं शोएब जमाई को ही सुन रहा हूँ। आज आप बिरयानी लग रहा खा के नहीं आए ढंग से। कि जो लोग किसान आंदोलन के समय में, जब वो किसान बिल की, मैं आपकी दुख को समझता हूँ कि आप लगातार एक साल उस बिल के फायदे गिनाते रहे, आप प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया तो आपको समझ में आ रहा है कि आप उसके हम कैसे गिनाए कि भी बिल भी वापस लिया। नहीं, मैं अभी भी गिना सकता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल खराब हो गया, उसकी उसकी फायदे। आप इस बात की तैयारी कर लीजिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी सीए को जब वापस लेंगे तो उसके बारे में आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। फिर वही कह रहा हूँ मैं, फिर वही कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री सीए वापस ले लेंगे तो भी शोएब जमाई सुशांत सिन्हा की राय सीए को लेकर वही रहेगी जो शाहीनबाग के आंदोलन के वक्त थी। साहब, ये तो धमकी दे रहे हैं, आपके दुख में मैं साथ हूं और भक्तों का दुख काहे नहीं खत्म हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके दुख के साथ हूँ, बड़े संवेदना है आपके आपके दुख। एबीपी न्यूज पर कृषि कानूनों को लेकर हुई डिबेट में एंकर ने किसान नेता से सवाल कर उनकी मंशा जानने की कोशिश की, तो किसान नेता जब इसका जवाब दे रहे थे तो एंकर ने उन्हें बीच में टोका, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं, आप अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं, कक्का जी तो अब आप कहिए ना, आह्वान कीजिए कि अब अपने अपने घर जाए, इतना भरोसा उन्होंने बिल्ड कर दिया, 99 कदम उन्होंने आगे बढ़ा दिए, अब एक कदम आप आगे बढ़ा दीजिए और आप घर चले जाइए, इतना विश्वास अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे? आप केवल प्रश्न पूछिए, आप हमको सलाह मत दीजिए कि हम घर जाएं या ना जाएं, क्योंकि आपका काम संवैधानिक तौर पर प्रश्न पूछने का है। ये हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि हमको आगे क्या करना है। जिनकी अभी आप तारीफ कर रहे हैं उनकी सलाह ले लीजिए, प्रधानमंत्री देखिए हम आप जाइए घर। नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनके कहने से क्या होता है, दोनों का हमारी मांगे हैं, MSP पर गारंटी का कानून बना दे वो, और 11 राउंड फिर चर्चा हुई है, कोई नई मांग तो है नहीं है, दो हमारी मांगे हैं, हम किसी भी एक मांग को कम नहीं कर सकते हैं। वीरदास के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने कांग्रेस के प्रवक्ता को सवालों में घेरने की कोशिश की, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाजपा की आलोचना करनी शुरू कर दी और एंकर को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की बदनामी में कपिल सिब्बल और शशि थरूर ताली क्यों बजा रहे हैं कांग्रेस के? देखिए अमीश जी, मैं सर्वप्रथम ये बता दूं कि वीरदास जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है और ना ही मैं उनका कोई प्रवक्ता हूं। तो कहीं पर अगर शशि थरूर और कपिल सिब्बल ने समर्थन किया है तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका विरोध भी किया है, तो कांग्रेस की लाइन क्या है? व्यक्तिगत बयान है, इस तरह से उसको देखा जाए। कांग्रेस की लाइन क्या है, क्योंकि इसी तरह के बयान तो राहुल गांधी ने पहले भारत को रेप कैपिटल विदेश में जाके कह चुके हैं राहुल गांधी, वो भी उनका पर्सनल बयान था। मुझे कंप्लीट करने दीजिए अमीश जी।
अमित जी देखिए, गौरव जी को आपने 3 मिनट बिना टोके समय दिया है, मुझे आप 10-15 सेकंड में ही टोक रहे हैं, ये उचित नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। मैंने इसलिए पहले कहा कि मैं वीरदास का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने अपना स्टैंड पहले कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो दो भारत की बात करता है तो वही दो भारत की बात तो कंगना रनौत भी कर रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।